हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड। तो फिर आज के वीडियो में देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर रिगार्डिंग योर कॉग्निजेंट रिकॉल इंटरव्यू, मेल चेंज इन ऑफर लेटर, GDN इंटरव्यू रिजल्ट, सबके बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आप लोग तक बने रहना। तो चलिए फ्रेंड, बिना किसी फर्दर डिले के करते इस वीडियो को स्टार्ट। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करा था, जस्ट अभी कुछ देर पहले मैंने वीडियो अपलोड कराया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं चेकआउट किया है तो इस वीडियो को आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, ताकि आप लोगों के जो क्वेरीज वगैरह हैं ज्वाइनिंग को लेकर, सर हम लोग कहाँ से अपने डेट ऑफ ज्वाइनिंग को देख सकते हैं वन कॉग्निजेंट में जाकर, तो सब कुछ मैं ऑलरेडी इस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहले बात कर लेते हैं आपका इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग चेंज इन योर ऑफर। बता दो फिर आप लोगों में से काफ़ी लोगों को पैट का जो है, पैट का एग्ज़ाम देने के बाद आपको जो है इंटरव्यू मेल होने के बाद, अभी बहुत लोगों को होने के पहले आपके पास जो है CIS सर्वे मेल आया था, इसके बाद आपका GD राउंड हुआ था, आपको पता होगा। लेकिन आप लोग देखोगे तो ये रिक्रूटमेंट हुआ था पेट में, काफ़ी लोगों ने अप्लाई करा था, क्योंकि जो CIS जो BSc BCA कैंडिडेट्स थे काफ़ी कम थे, लेकिन BBTech काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो पेट का ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुका था, तो आप क्या करते पेट से वो जो है कॉग्निजेंट अब सभी को CIS प्रोवाइड कर रही है, मतलब CIS में आपका जो है ग्रेजुएट ट्रेनिंग एंड इंजीनियर ट्रेनिंग। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑफर लेटर चेंज हो रहा है, क्योंकि आप लोग का जो सर्वे मेल फिलअप किए थे, GD राउंड फिलअप किए थे, फिर आपका जो है जो पैट रोल के लिए ऑफर लेटर था, अभी आपके पास जो ऑफर लेटर आएगा वो ग्रेजुएट ट्रेनिंग के लिए आएगा। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। बेस्ड ऑन एक्सेप्टेंस एंड कन्फर्मेशन वी विल रोलिंग बैक योर IT PAT रो ऑफर एंड यू विल रिसीव अ फ्रेश ऑफर फॉर द इंजीनियर ट्रेनी CIS ET रोल शॉर्टली फ्रॉम अस। तो पहले आपके पास कौन सा था, IT PAT था, प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनिंग, बट राइट नाउ दे आर गिविंग CIS ET रोल, मतलब इंजीनियर ट्रेनी। ओके, जो कि आपका BBTech वालों के लिए होता है, और आपका जो GT होता है आपका ग्रेजुएट ट्रेनिंग वालों के लिए। ओके, वंस यू विल रिसीव योर ऑफर यू मे एक्नॉलेज इट बाय एक्सेप्टिंग इट एंड यू विल बी लाइंड अप फॉर द ऑनबोर्डिंग आफ्टर कंप्लीटिंग द नेसेसरी प्री बोर्डिंग BGV एक्टिविटीज। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो फिर ये रिजल्ट है आपका, वी रिग्रेट टू अनाउंस दैट यू डिड नॉट क्लियर द इनिशियल असेसमेंट दैट यू टू ऑन 24th March फॉर द ग्रेजुएट ट्रेनी और इंजीनियर ट्रेनी रोल विद कॉन्ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर ए जेंटल फीडबैक टुवर्ड डेवलपिंग एंड योर कम्युनिकेशन स्किल दैट वुड पॉजिटिवली सपोर्ट यू एंड योर करियर ऑफ एस्पिरेशन। मतलब GD राउंड आपका जो है एलिमिनेशन राउंड था। अगेन वी अप्रिशिएट योर टाइम बेस्ट बेटर लक इन द फ्यूचर इंडेवर। तो आपको रिजेक्शन हो गया GD के बाद। ओके, और फिर रिकॉल्ड इंटरव्यू, फिर आप लोग देखो बता दो फिर यहाँ पर जिन लोगों का इंटरव्यू बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, इंटरव्यू नहीं हो पाया था, तो फिर यहाँ पर देखोगे तो इंटरव्यू फॉर द प्रोफाइल ऑफ कॉग्निजेंट ऑफ कैंपस ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी कॉग्निजेंट वेयर अर्लियर ऑल कंप्लीट बट ड्यू टू एन ऑपरेशनल चेंज यू हैव बीन रिकॉल्ड इन टू द इंटरव्यू प्रोसेस अगेन। प्लीज बी रेडी अगेन, यू मे बी कॉल्ड फॉर अनदर इंटरव्यू, प्लीज वेट फॉर द मेल एंड SMS फ्रॉम अस। ये आपका 17th March का रिजल्ट, रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। काफ़ी लोगों को फिर यहाँ पर जो है रिजेक्शन देखने को आया है। वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू क्लियर द असेसमेंट टू कॉन 23rd March। ओके, तो मार्च में जितने लोगों ने भी GD राउंड दिया था, सारे के सारे रिजल्ट जो है आउट हो चुके हैं, और मोस्ट ऑफ द लोगों को रिजेक्शन ही देखने को आया है। देखिए द बेस्ट एक्सेप्टेंस ऑफ कन्फर्मेशन यू विल लाइक टू IT PAT रोल बट राइट नाउ दे आर प्रोवाइडिंग ओनली CIS ET रोल, क्योंकि आपका चेंज हो रहा है ना, क्योंकि आप लोग CIS का सर्वे मेल में यस किए थे, फिर आप लोग CIS का GD राउंड दिए थे, जो क्वालिफाई किए हैं वो ये आएगा, जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनको ये आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखिए फिर 28 जनवरी को मेल आया था, 28 मार्च को, ओके, रात के 11:56, वाह क्या टाइमिंग है, जो भी हो ठीक है। तो ये आप लोग की ज्वाइनिंग का लेकर है, तो मैं आपको इधर में दिखा दूँ, बता दो फिर ऐसा क्यों हो रहा है। देखो अभी कॉग्निजेंट के बाद जो रिक्रूटमेंट है वो काफ़ी लेस है, और यहाँ पर GD को काफ़ी लोग हल्के में लिए, तो यार GD तो है क्या होगा, तो हल्के में लेने की वजह से मैंने बहुत लोगों से बात भी करा था, उन लोगों ने हल्के में लेने की वजह से उनका जो है रिजेक्शन हो गया। मैंने स्टूडेंट्स गॉट रिजेक्शन आफ्टर GD राउंड ऑल्सो। और यहाँ पर मैंने स्माइली का इमोजी क्यों डाला बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उन लोगों का है जो फ्रेंड एक न्यू ऑफर लेटर देखने को आ रहा है, एटलीस्ट आप लोग रिजेक्टेड नहीं हो, आप लोग सिलेक्टेड हो। कॉग्निजेंट डोंट हैव एनी वैकेंसी। ओके, तो यहाँ पर आपके पास अभी कॉग्निजेंट में ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो फुलफिल कर चुकी है, और ज़्यादातर लोगों को रिजेक्शन देखने को आ रहे हैं। बहुत तो कमेंट करते सर क्या इंटरव्यू रिसीड्यूल होता है, इंटरव्यू डिडंट जॉइन, तो यार बहुत कम चांसेस है। अगर आप लोग मेल करते भी हो सुपरसेट टीम में, तो आपको आपका मेल जो है फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी जॉइन सुपरसेट का मेल फुल हो चुका है। तो इंटरव्यू रिसीड्यूल होना, एग्जाम रिसीड्यूल होना, देयर इज अ वेरी लेस चांसेस, जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको, आगे का नहीं पता ठीक है। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।